छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने आज से चुनावी प्रचार और रैली का शंखनाद कर दिया है, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजनांदगांव पहुंचे, जहां वे पार्टी के चारों प्रत्याशी के नामांकन में शामिल हुए। इससे पहले स्टेट स्कूल मैदान में सभा को संबोधित कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? भूपेश बघेल की सरकार में ना ओबीसी, ना आदिवासी, ना महिला, ना कोई किसान खुश नहीं है, सिर्फ गांधी परिवार ही खुश है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनांदगांव के बीरनपुर हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि भुवनेश्वर साहू की शहादत बेकार नहीं जाएगी, उसके हत्यारों को उसके अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा, इसलिए हमने उनके पिता को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। नामांकन की रैली में एक विशाल जनसमूह मेरे सामने है, आपका उत्साह देखकर मैं स्पष्टता से आज भरोसा लेकर जा रहा हूं। मोदी जी को भी शाम को बताऊंगा कि 3 दिसंबर में कमल खिलने वाला है, कमल खिलने वाला। इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भाई अरुण साहू जी, हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री और यहां से हमारे प्रत्याशी राजनांदगांव के डॉक्टर रमन सिंह जी, बहन सरोज पांडे जी, पूर्व सांसद अशोक शर्मा जी, भूपेंद्र सवन्नी जी, श्री मधुसूदन यादव जी, श्री रविंद्र राय पूर्व अध्यक्ष झारखंड के, श्री संतोष अग्रवाल जी, श्री अभिषेक सिंह जी, श्री अवधेश चंदेल जी, श्री प्रदीप गांधी जी, श्री रमेश पटेल जी, और आज मेरे साथ जो हमारे सातों सात प्रत्याशी उपस्थित है, जिनको आपको विधायक बनाकर भेजना है, वो सभी प्रत्याशियों को मैं हृदय से, मेरी ओर से और करोड़ों भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, डॉक्टर रमन सिंह जी ने ठीक से बात रखा है, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मगर मैं छत्तीसगढ़ वासियों को चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार रैली हो रहा है, मैं छत्तीसगढ़ वासियों को याद कराने आया हूं, ये छत्तीसगढ़ को हमारे प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाने का काम किया। कांग्रेसियों के शासन के अंदर पुराना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य बनकर खड़ा था। छत्तीसगढ़ को अटल जी ने बनाया और जब हमारी सरकार बनी, डॉक्टर रमन सिंह इसके मुख्यमंत्री बने, 15 साल में ये बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाने का काम डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। छत्तीसगढ़ के अंदर 15 साल में यह राजनांदगांव, और चाहे छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र हो, दलित भाई जहां रहते हो वो क्षेत्र हो, दुर्ग और भिलाई के कॉस्मोपॉलिटन इलाके हो, या जहां मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हो वो क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को संपूर्ण विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहां की छत्तीसगढ़ी को, छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य की भाषा का दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसानों को
14% ब्याज से मुक्त कराने का काम जोर से ताली बजाइएगा हमारी रमन सिंह सरकार ने किया। मित्रों, सबसे पीडीएस की व्यवस्था सबसे अच्छी देश भर में कहीं पर लागू हुई तो मेरे और आपके इस छत्तीसगढ़ में हुई और रमन सिंह को चावल वाला बाबा कहकर पुकारा गया। ट्राइबल, ओबीसी और दलित को अपने अधिकार देने का काम किया और छत्तीसगढ़ को हमने विकसित राज्य बनाने के लिए ढेर सारे कदम उठाए। और मैं पूछने आया हूं भैया भूपेश जी, 5 साल में आपने क्या किया इसका जरा हिसाब किताब दीजिए। मुझे मालूम है हिसाब देने का आपका स्वभाव नहीं है, आप विकास का हिसाब किताब नहीं करते हो, बिचारे ताम्रध्वज साहू और राजा साहब से हिसाब किताब करने में पड़े हो, आप विकास का हिसाब नहीं कर सकते हो। मित्रों, आने वाला चुनाव एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं, आने वाला चुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, आने वाला चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्णिम भविष्य वाले छत्तीसगढ़ बनाने का चुनाव है। हर छत्तीसगढ़िया ने एक एक वोट मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्णिम छत्तीसगढ़ बनाने के लिए देना है। छत्तीसगढ़